बढ़ते पीएम साहब की ओर से क्या दिशा निर्देश अलग से? ये बकरीद को दृष्टिगत रखते हुए पूरी तैयारियां की गई है और सभी जगहों पे प्रशासन के साथ मिल के सारी व्यवस्थाएं की गई है। साफ सफाई और बिजली पानी वगैरह इनके संबंध में भी संबंधित विभाग से बात हुई है और पूरी तैयारियां की गई है। सभी जगहों पे फ्लैग मार्च निकाला गया है पुलिस के द्वारा। इसके अलावा सभी जगह एक जनरल अलर्ट किया गया है कि चेकिंग फ्रिस्किंग करते रहेंगे विशेष रूप से इस त्यौहार को देखते हुए। और सभी जगहों पे पीस कमेटी की बैठकें भी संपन्न हो चुकी है, उसमें जो भी समस्या प्राप्त हुई थी उनका अधिकतर समस्याओं का निदान किया जा चुका है। कल के लिए हमें भारी मात्रा में फोर्स डिप्लॉयमेंट हमने किया है। सभी स्थानों पे जो है डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स ठीक ठाक किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करते हुए कुछ डाइवर्जन्स वगैरह दिए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि सभी जो हमारी परंपरा रही है कि सभी त्यौहार हम मिलजुल के और धार्मिक सौहार्द से मनाते हैं, उसी तरह से ये त्यौहार भी शांतिपूर्वक तरीके से और अच्छे से मनाया जाए। सर, ऊँट की कुर्बानी को लेकर क्या है, परंपरागत तरीके से होते आया है? जो भी इस संबंध में कोर्ट के गाइडलाइंस है और जो भी लॉ है एग्जिस्टिंग लॉ, उसके अनुसार कार्रवाई जो है इसमें सुनिश्चित है। क्या जो प्रतिबंधित जीव हैं और जो नालों में न खून बहाए जाने की बात अलग से सीएम साहब ने कही है? प्रतिबंधित जो भी जानवर है उस पर उसका उसको प्रोहिबिटेड है, उनका नहीं किया जा सकता है कुर्बानी। और बाकी भी जो गाइडलाइन है वो नगर पालिका और नगर आयुक्त वगैरह उन्होंने भी इसका रिव्यू किया है, तैयारियों का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने भी किया है रिव्यू। पूरी तैयारियाँ की जा रही है और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। सभी संप्रदाय मिल के त्यौहार मिला रहे, एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का भाई रिस्पेक्ट करते हुए वो कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और पीस कमेटी की मीटिंग में भी इसमें सभी लोगों ने जो है इस बात पे जोर देके इस बात की सहमति व्यक्त की।